और हम आज फिर एक मरतबा शर्मिंदा इन सड़कों पे बैठे हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ की फरहमी जो है वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ। जी भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आज की कोई पहली कहानी नहीं है। हमने 5 औरतों को जिंदा दरगोर भी किया, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जिंसी हिरासगी का निशाना भी बनवाया, हमने इस तरह की बहुत सारी लाशें इन सड़कों से उठाई हैं, और हम आज फिर एक मरतबा शर्मिंदा इन सड़कों पर बैठे हैं कि हमारे यहाँ इंसाफ की फरहमी जो है वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आती। ये अदालतें सिर्फ एक दुकान की हैसियत से काम करते हैं, जहाँ पे लोग अपनी कमाई करते हैं, पैसे लेते हैं और केसेस करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से इंसाफ की ना उम्मीद पहले हमें कभी थी और ना अब है। तो जिन माशरों में इंसाफ नहीं होता, जहाँ गुनाह के लिए सजा और अच्छाई के लिए जजा नहीं होती, उन माशरों की हालत बिल्कुल ऐसे होती है जैसे हमारी। हम कब तक अपनी बहनों की लाशें इसी तरीके से उठाएंगे? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है इस दुनियावी अदालत से कि वो हमें इंसाफ दे पाएगी। सिर्फ अल्लाह की अदालत इंसाफ दे सकती है। जो हालात हमारे मुल्क के हैं, जो हालात हमारे माशरे के हैं, ना हमारे हुक्मरान जो अवानों में बैठे हैं उनको कोई एहसास है, ना इन अदालतों में बैठे जजेस को कोई एहसास है, ना हमारे यहाँ जो है वो जो वफा की हुकूमतें हैं उनको एहसास है कि बलूचिस्तान कब तक इसी तरीके से जो है वो लाशें उठाएगा।